हेलो दोस्तों, मैं भी लाइफ स्टाइल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत टेस्टी सांभर बनाने वाले हैं और वो भी सिर्फ टमाटर से, क्योंकि जो इमली होता है, जो टेमेरिन, वो बहुत से लोगों को सूट नहीं करता है। तो हम लोग विदाउट इमली का, विदाउट टेमेरिन का बहुत टेस्टी तरीके से सांभर बनाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों जो हमारे मसाले वो इस प्रकार है, 4 लाल खड़ी लाल मिर्च और 1 चम्मच जीरा, लहसुन की 10 कली, 1 चम्मच सूखी मेथी और उड़द की दाल 2 चम्मच और 2 चम्मच खड़ा धनिया, 2 चम्मच खड़ा धनिया, छोटे चम्मच है, 2 छोटे चम्मच खड़ा धनिया। अब दोस्तों ये सारे जो मसाले, इसको हम लोग पैन में एक छोटे से कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे, बिल्कुल 2 छोटे चम्मच। अब उसमें हम लोग खड़ा धनिया डाल देंगे 2 छोटे चम्मच, जीरा डाल देंगे, उड़द की दाल 2 छोटे चम्मच लिए थे वो डाल देंगे, लहसुन की 10 कली है वो डाल देंगे और ये सारी चीज़ें डाल के हल्का सा 2 मिनट बस हम लोग इसको चलाते रहेंगे। और ये हल्का सा बस रोस्ट करना है दोस्तों, हम लोग को लो फ्लेम में रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम में। अब मिक्सर ग्राइंडर का जो जार है, पॉट, उसमें सारी चीज़ें डाल देंगे, लहसुन की 10 कली, मेथी, देखिए 4 लाल मिर्च, उसको हम लोग हल्का सा पानी डाल के फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरह से फाइन पेस्ट बनाना है। दाल को हम लोग ने पहले से ही 200 ग्राम दाल है उसको हम लोग ने बॉईल करके रखें, उबाल के रखें। अब 2 बड़े चम्मच यानी कि टेबल स्पूनफुल, 2 टेबल स्पूनफुल, जो 2 बड़े चम्मच हमको कढ़ाई में तेल गरम करना है, उसमें करी पत्ते डालना है और करी पत्ते डालने के बाद 2 खड़ी लाल मिर्च डालना है, जो 2 खड़ी लाल मिर्च डालने के बाद उसमें जीरा बिल्कुल 1 चम्मच हल्का सा और मेथी बिल्कुल आधा छोटा चम्मच, छोटा चम्मच जो टीस्पून होता है उसका भी आधा चम्मच मेथी, क्योंकि हम लोग ने मेथी पहले ही मसाले में ले चुके हैं, और जीरा 1 चम्मच बिल्कुल हल्का सा, और जो पेस्ट हम लोग ने मिक्सर ग्राइंडर में बनाया था दोस्तों, और उसको अब लोग हम लोग डाल देंगे। इसको मीडियम फ्लेम में रखना है और इसको चलाते रहें आप। ये देखिए जो एकदम फाइन पेस्ट है। अब 2 छोटे चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर डालना है और फिर जो रेड चिली पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वो 2 छोटे चम्मच, ज़्यादा मिर्ची ना डालें क्योंकि पहले हम लोग ने इसमें सूखी लाल मिर्च डाल चुके हैं, इसीलिए खड़ी सूखी लाल मिर्च डाल चुके थे। अब दोस्तों हम लोग इसमें टमाटर डाल रहे हैं, 5 मीडियम साइज के टमाटर है, 200 ग्राम दाल में 5 मीडियम साइज के टमाटर, क्योंकि कई लोग को इमली सूट नहीं करती इसलिए हम लोग ने टमाटर डाले। और टमाटर डाल के आप इसको 2-3 मिनट पका लें और ढक के रखें। उसके बाद देखिए दोस्तों जब ये मीडियम फ्लेम में पक जाता है, टमाटर गल जाए, उसको अब जो दाल हम लोग ने पहले से उबाल के रखे थे उसमें मिक्स कर लेना दोस्तों अच्छी तरह से। ये देखिए टमाटर जो है, हम लोग को 200 ग्राम दाल में 5 मीडियम साइज के टमाटर लेना है। अगर आप इमली यूज़ कर रहे हैं तो फिर टमाटर आपको 2-2.5 ही लेना है, ज़्यादा ना लें। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालिए इसमें, हम लोग ने 2 छोटे चम्मच नमक डाले, नमक ज़्यादा ना डालें क्योंकि पहले से इसमें सॉल्टीनेस होता है। अब 2-3 मिनट इसको हंडी में ढाक के पकाते रहें, और हंडी में दोस्तों हम लोग ने इसलिए पकाया ताकि इसमें सारे जो मिनरल्स होते हैं और न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हम लोग को मिले मट्टी के। और दोस्तों इसमें वेजिटेबल्स आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, लौकी डाल सकते हैं, भट्टा डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ने इसे नहीं डाले क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था भारत में और सब्जी मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी दोस्तों। आप चाहें तो अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी, और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए दोस्तों। आई होप आप इसको बहुत पसंद करेंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।